नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द विलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपौल, अररिया और गलगलिया के बीच बन रहे रेल लाइन की। करीब 200 किलोमीटर लंबा यह रेल लाइन सुपौल से अररिया होते हुए गलगलिया तक बनाया जा रहा है और इस पर काम जो है अब वो शुरू कर दिया गया है। हालाँकि ज़्यादा तेज़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस पर काम जो है वो शुरू है। कोई ख़ास जो है इस पर तेज़ गति से नहीं हो रहा है। हालांकि बजट के कारण यह बीच में काम रुका हुआ भी था और दूसरी वजह यह भी थी कि इस पर जो है ज़मीन अधिग्रहण का काम भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हालांकि अब ज़मीन अधिग्रहण का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये रूट जो है दोनों साइड से बनते हुए आएगी। सुपौल की तरफ से जो है वो पिपरा के रास्ते जो है इधर से बनेगी और उधर से गलगलिया के बाद जो है उधर से बनते हुए आएगी। तो ये तो दोनों साइड से जो है इस पर काम चल रहा है। हालांकि काम उतना धुआंधार नहीं चल रहा है, लेकिन काम जो है इस पर शुरू है। आपने देखा होगा पिछले महीने जो है अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने जो है पिछले महीने एक संबोधन के दौरान कहा था कि इस पर काम जो है वो तेज़ किया जाए। तो काम तो उस पर जो है वो शुरू है, लेकिन उतनी तेज़ गति से नहीं है। ये एक लंबा अरसा हो गया, ये लाइन जो है इसका 2006 या 7 में जो है इसका गठन किया गया था, लेकिन अभी तक यह रेल लाइन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है, लेकिन ये कयास ये ज़रूर लगाया जा रहा है कि इसको जो है 2023 के शुरुआत में ही इस पर जो है इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस पर ट्रेन सेवा जो है वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन काम को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस पर काम जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए द विलेज यूट्यूब चैनल।